तो टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन की अगर बात करें मोनोटैलिक में, तो टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेट दैट की प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो यूरियोटैलिक की अगर बात करें तो इसमें एक्सक्रीट क्या होता है, यूरिया। ये किस में होता है, मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस में होता है, बहुत सारे जो मेराइन फिशेज हैं उनमें होता है। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है, टोड है, उनमें होगा। मेराइन फिशेज जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेज है, जिनको हम कॉन्ट्रोचथाइस बोलते हैं, जिसमें हमारे पास शार्क और स्टिंग्रे आ जाती है, तो इनमें यूरियोटैलिक है, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। अमोनिया आयन लीवर में जाएगा ना, कन्वर्टेड होगा, अमोनिया कन्वर्टेड होगा यूरिया में, हेपेटिक वेन, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया हेपेटिक वेन में होगा। देन वेना केवा में जाएगा, उससे हार्ट में जाएगा, हार्ट टू हमारे अरोटा में जाएगा, अरोटा टू रीनल आर्टरी में जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी टू रीनल वेन में जाएगा, जहाँ पे लीस्ट लो अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, और फिर रीनल वेन से देन आफ्टर कहाँ जाएगा, वेना केवा में जाएगा। फिर मैंने आपको बताया भी, तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है बाय मेटाबॉलिज्म, इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। कुछ अमाउंट जो यूरिया का है वो रह जाता है हमारी किडनी में इन द किडनी मैट्रिक्स, और कुछ एनिमल्स में ये मेंटेन होता है एज ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, मतलब होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब आयनिक और वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूड, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। देन यूरिकोटैलिक अगर एनिमल्स की बात करूँ तो इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट एज ए यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ जो वाटर लॉस होता है, और कंजर्व मैक्सिमम वाटर इन द बॉडी। एनिमल किंगडम में अभी तक प्रेजेंट है वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे प्लैटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं फ्लेटफॉर्म्स में, और प्लैनेरिया में एस्कल्मेंथीस में जैसे हमारे पास रीनिट सेल्स होते हैं, और जिसमें और एनालिडा में हमारे पास नेफ्रीडिया होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स में। ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में ऐसे स्ट्रक्चर जो है सिंपल ट्यूबुलर वर्टिब्रेट्स हमें देखने को मिलता है, कम्प्लेक्स ट्यूबल ऑर्गन की किडनी देखने को मिलती है। प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर बात करूँ, एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो ये प्राइमरी कंसर्न करता है विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया क्या करता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है रिमूव करता है वेस्ट और मेंटेन करता है फ्लूइड को, आयनिक बैलेंस को। मालफिगिन ट्यूबल जो है एक्सक्रीट करती है स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है रिमूवल करने में नाइट्रोजन वेस्ट को, और ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जैसे कि ये इंसेक्ट्स में, जैसे कि कॉकरोचेस में होता है। मेल कॉकरोच में क्या होता है, मालफिगिन ट्यूबल होती है, यूरिकोस ग्लैंड होता है। देन एंटीगन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है ये, किसमें, क्रस्टेशियंस में, प्रॉन्स में। देन कॉक्सल ग्लैंड, ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो स्पाइडर और स्कॉर्पियम में, मतलब हमें आर्थ्रोपोडास में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मतलब बोल सकते हैं इस चैप्टर के बारे में इंट्रो जो थी वो मैंने बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वन बाय वन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।